जुमा के अंदरूनी इलाके में मैं हाजिर हूँ। सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं। मदीना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, पहले दो हमारी वीडियोस आ चुकी हैं पांच पांच ज़ियारतों पे मुश्तमिल, और इसमें भी पांच मकामात की ज़ियारत हम आज करवाएंगे। बहुत ही मज़े की वीडियो होगी। बीर हजीम और मस्जिद अन्नूर पर पिछली वीडियो हमारी एंड हुई थी और यहाँ से शुरुआत होगी इंशाल्लाह। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा, सवाब के नियत से शेयर भी फरमाइएगा। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये अर्ज़ है कि बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना। अब उसकी रोशनी में दोनों सहाबा यहाँ तक आए, जो देख रहे हैं आप, ये इसका नाम है मस्जिद अन्नूर, नूर वाली मस्जिद। अब नूर वाली मस्जिद इसको कहा क्यों जाता है? जब वो दोनों सहाबा यहाँ तक आए तो यहाँ से दोनों सहाबा ने दो सिमतों की तरफ जाना था। छड़ी एक है, टॉर्च एक है, सिमत दो है, जाहिर एक ही तरफ जा सकता है। दूसरे सहाबी ने दूसरी लकड़ी इसी मकाम पर टच की तो वो भी रोशन हो गया। ये कुआं भी है जिसका नाम है बीर हजीम। बीर हजीम का कुआं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये वो मुकद्दस कुआं है जिसके हवाले से अहले मदीना बताते हैं कि प्यारे आका अली सल्लतु सलाम ने यहाँ पर वजू फरमाया था और वजू का बचा हुआ पानी इस कुएं में दाखिल फरमाया था। मीठे पानी का चश्मा आज भी यहाँ पर जारी वो सारी है। और अहले मदीना तो क्या, दुनिया भर से जो लोग जानते हैं इस मुकाम पर खसूसी यहाँ का पानी पीने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठंडा मीठा पानी, साफ और शफाफ पानी आज भी यहाँ से दस्तयाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। मेरी सब मुश्किलें मुश्किल में होगी, मेरी सब मुश्किलें मुश्किल में होगी। मेरी मुश्किल कुशा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। खता पर ही खता करता हूँ मैं तो, खता करता हूँ मैं तो, खता पर भी अता है और मैं हूँ। करम का सामना है और मैं हूँ। दियारे मुस्तफा है और मैं हूँ, करम का सामना है और मैं हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हज़रत कुलसुम बिन हदम बिन औफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस मुक़द्दस बाग की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिस बाग के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का 14 से 18 दिन क़याम रहा है। वो मकान आज भी मौजूद, इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ये वही सहाबी हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुबा की ज़मीन पेश की थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सहाबा के साथ मिलकर इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की तामीर की, जिस तरह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वही मस्जिद कुबा है जिसके हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद। उसका मफहूम यह कि जो अपने घर से चले कुबा के लिए और दो रकत नमाज आके कुबा में पढ़े तो अल्लाह पाक उसको एक मकबूल उम्र का सवाब अता फरमाता है।
दूसरी हदीस में वजू की कैद नहीं है, यानी घर से वजू कर ले, यहाँ आके कर ले, कहीं और से वजू कर ले, अल्लाह पाक उसको भी एक मकबूल उम्र का सवाब अता फरमाएगा। नाज़रीन, मस्जिद कुबा के अंदर एक ख़ास मकाम है, जिस तरह हम इस वक्त स्क्रीन पे मेहराब का इलाका दिखा रहे हैं, इसी मेहराब के ऊपर जो कुबा बना हुआ है, इसी कुब्बे के अंदर एक सुराख है जो स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड का सुराख है और राइट साइड में एक और सुराख है, ये देखिए, ये वो दूसरा सुराख है। इन दोनों सुराखों के दरमियान बेन ही इसके नीचे का जो हिस्सा है, ज़मीन फर्श वाला हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसवा उठनी खड़ी थी, ये मशहूर है। अब हम कुबा के बाहर आ चुके हैं, कुबा के सामने ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है, इसी बाग के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था, उस घर के अंदर जो घर आज भी मौजूद है, ये वो बाग है जो हम दिखा रहे हैं आपको। हज़रत कुलसुम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस मुकद्दस बाग में है, जिस बाग में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई दिन क़याम रहा है। इस सफ़र में हमारे सैयद महताब बाबू भी साथ में हैं, हमारे कैमरा मैन जो हैं शाहिद भाई बेकरी वाले फ्रॉम बॉम्बे, वो भी हैं माशाल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त तारीख है इस बाग की। आपको कैसा मकाम मैं दिखाता हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आ रहे थे, तशरीफ़ लाए, तो इस बाग में जब हुजूर आए तो इस बाग में अहले मदीना हुजूर का इस्तकबाल के लिए, हुजूर के इस्तकबाल के लिए इंतज़ार में थे। एक तो वो सनियतुल विदा का मौका है, वो अलग है, यहाँ पर भी हुजूर का इस्तकबाल हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, इस बात की थोड़ी सी फिक्र थी उनको कि पहचान सही हो जाए। तो जब आए ना तो गारे यार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी वो जो एक परेशानी थी ना, उसको ये भाप चुके थे। कैसे अकलमंद थे आप, इस मकाम पर जब आए हैं तो उन्होंने क्या किया है, जो मकाम हमारे शाहिद भाई दिखा रहे हैं, इस मकाम पे जब आए हैं तो उन्होंने चादर तानी है, चादर तान दी यहाँ पर। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मकाम पे तशरीफ़ फरमा हुए। ये तीन पत्थर सल्तनत उस्मानिया के ज़माने के लगाए हुए हैं, तो हो सकता हो कि पत्थर वाले जगह पे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए हों, वरना ये पूरा जो अरीश है, अरीश कहते हैं अरबी में छज्जे को, ये पूरा जो ये मकाम जो देख रहे हैं आप, यही मकाम मशहूर है कि यहीं पर चढ़त आनी थी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आराम पजीर हुए। अब सहाबा कराम अली मुरिदवान जो थे वो जान गए कि चादर तानने वाला ग़ुलाम होता है और जो चादर के नीचे बैठे हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम है। नाज़रीन, अब एक और आपको एक मकाम हम दिखा रहे हैं जो आप अभी तक नहीं देखे होंगे, थोड़ा सा हमारे साथ आगे बढ़िए। और ये वो घर है जिस तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा और हज़रत कुलसुम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा किराम अली रिदवान के लिए ये कमरा वक्फ किया हुआ था। इस मकान की तरफ बढ़ रहे हैं शाहिद भाई बेकरी वाले, हमारे आफ्ताब बाबू हैं, और यहाँ से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। दीवार जो बोसीदा दीवार है, काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, पत्थरें हैं, ये 1200 1300 1350 साल पुरानी ये दीवारें पत्थरें जो आप देख रहे हैं, और ये लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने को है। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि इस घर के अंदर फ़कत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम नहीं रहा, बापू इधर आ जाओ, फ़कत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम नहीं रहा, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे दिन काफिरों का जो माल था वो वापस करके उन अमानतदारों तक लौटा कर, हज़रत अली भी जब आए थे ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी घर में आपका क़याम हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे जय्यद सहाबा का नाम होता आता है किताबों में, जिनका क़याम यहाँ पर इस कमरे के अंदर था। अब यहाँ से आपको हम दिखाते हैं बीर अजक। अब वो कुआं जिस कुएं को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस्तेमाल में लेकर आए, हम उस तरफ बढ़ते हैं बीर अजक की तरफ। मदीना